कोरोना बिल्कुल नहीं डरना, लेकिन रहना है सावधान। पूरे विश्व में कोरोना वायरस आपदा घोषित हो चुका है। भारत सरकार पूरी जागरूकता के साथ काम कर रही है और जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। आइए इसी श्रृंखला में हम जानते हैं, हम अभय मनकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ें तो निश्चित तौर से हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, एक घंटा प्रातःकाल 8 से 9 बजे की धूप लें, सूर्य की किरणों में बैठें, इससे कोरोना वायरस नष्ट हो जाता है। इसके अलावा हम करें सूर्य वेदी प्राणायाम, लेफ्ट हैंड नॉलेज पोस्चर, राइट हाथ की मुद्रा बनाएं, राइट से श्वास लेना है और राइट से छोड़ना है, राइट से भरें, राइट से छोड़ें, राइट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से लेना है, राइट से छोड़ना है। ये प्राणायाम कम से कम 10 से 15 मिनट करें। और इसी का दूसरा प्रकार है, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। पुनः मुद्रा बनाएं, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। ये दोनों ही प्रकार 15-15 मिनट हम दिन भर में कर सकते हैं। इसके अलावा एक शिवलिंग मुद्रा करें, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, अंगूठा ऊपर की ओर। इस तरह मुद्रा करने से यह वायरस का मुकाबला अच्छे ढंग से हो सकता है और इससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है। तो कम से कम 15 मिनट दिन में 2 बार कर सकते हैं। इस मुद्रा को ध्यान से समझ लीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, अंगूठा ऊपर की ओर और फिर दोनों हाथ गोदी में रख दीजिए। यह है शिवलिंग मुद्रा। इसके अलावा चेस्ट के ऊपर हम मेडिटेशन करें, कलर मेडिटेशन। प्रेक्षा ध्यान का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है लेशिया ध्यान। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, दोनों हाथ थाई पर रखें, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन सीधी रहे, माइंड को पूरे चेस्ट पर फैला दीजिए और पूरे चेस्ट पर सीने के भाग पर चमकते हुए ऑरेंज कलर का ध्यान करें, विजुलाइज करें छाती के भाग पर ऑरेंज कलर। सीने के भाग पर चेस्ट पर ऑरेंज कलर का मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। पूरी छाती पर ऑरेंज कलर विजुलाइज करें। इस तरह ये कलर मेडिटेशन 5 से 10 मिनट नियमित रूप से करें और इसके साथ एक प्राणायाम और करें, लेफ्ट हैंड नॉलेज पोस्चर, राइट हैंड की मुद्रा बनाएं, राइट से श्वास भरें, भीतर रोकें आंतरिक कुंभक और नेवल पर, नाभि पर उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, बाल सूर्य का ध्यान। लेफ्ट से श्वास छोड़ें, पुनः राइट से श्वास भरें, भीतर रोकें और नाभि पर उगता हुआ सूर्य का ध्यान, अरुण रंग का ध्यान। साथ में मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, रम मंत्र, रम 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 रम, और लेफ्ट से पुनः श्वास छोड़ें। इसी का दूसरा प्रकार, राइट से श्वास भरें, आंतरिक कुंभक, नाभि पर बाल सूर्य का ध्यान, अरुण रंग का उगता हुआ सूर्य का ध्यान। और राइट से श्वास छोड़ें, एक बार और राइट से भरें,
भीतर रोकें आंतरिक कुंभक, नेवल पर उगता हुआ सूर्य का ध्यान करें। राइट से छोड़ें। इस तरह ये दोनों प्रयोगों में 5 से 10 आवृत्ति अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं और सुविधा अनुसार आंतरिक कुंभक कर सकते हैं। इसके साथ आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण प्रयोग, ऐसे एक कपड़े की थैली बनाएं, इसके अंदर काली मिर्च, लौंग, कपूर और उसमें जावंत्री रख दें और इसको पैक कर दें और अपने पॉकेट में रखें। घर में जितने मेंबर हो सबके लिए बना दीजिए। अगर थैली नहीं बना सकते तो कागज की पुड़िया में रखिए और दिन में कई बार इस तरह सूंघिए। इससे हमारा कोरोना वायरस से बचाव होता है। बहुत अच्छा प्रयोग है, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ अद्भुत प्रयोग है। इस तरह सूंघना है आपको। इस तरह ये होम रेमेडी का ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दिन भर में 2-3 बार गर्म पानी में नमक डालकर गार्गल्स करिए, उससे फेफड़ों तक ये वायरस नहीं पहुंचता है। और परिवार के हर सदस्य को ये प्रयोग करने के लिए बोलिए, जिससे हम इस वायरस से हमारा बचाव हो सकता है। और हाथों को अच्छे ढंग से वॉश करिए। वॉश हम लोग यहाँ तक करते हैं, आप कोहनी तक हाथों को वॉश करिए और कम से कम 30 सेकेंड लगाइए। बाहर से आने के बाद कहीं जाए उसके बाद हाथ को वॉश करके फिर चेहरे पे लगाएं। बार बार हाथों को चेहरे पर व आँखों पर न लगाएं, इससे हम इससे बचाव हमारा हो सकता है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी रखना जरूरी है। जब हम घर से बाहर निकले और जरूरी काम से जाना पड़े तो देसी गाय का घी एक एक बूंद नासिका के अंदर डालें। अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो कैस्टर ऑयल को अंगुली पर लगाकर दोनों नासिका के अंदर घुमा दीजिए, इससे हमारी सेफ्टी रहती है। एक होम रेमेडी का अच्छा नुस्खा है, 50 ग्राम तुलसी के पत्ते, 50 ग्राम अदरक, 5-10 काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सेंधा नमक 250 ml पानी में डालकर उसको उबालिए, बॉइल करिए और उस पानी को दिन में 2-3 बार पीने से इस बीमारी से हमारा बचाव होता है, इससे हम बच सकते हैं। इसके अलावा आप दिन भर में प्राणायाम करें और अपनी क्षमता को चेक करने के लिए पहले आप ये प्राण मुद्रा बनाइए। 3rd और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को पावरफुल करता है। इस मुद्रा में बैठने के बाद आप श्वास भरें और श्वास को कितने सेकंड रोक सकते हैं। अगर आप 10 से 20 सेकंड श्वास आराम से फेफड़ों में रुकता है और आपको खांसी नहीं चलती है तो समझिए आप सेफ है। और ऐसा कुछ हो, खांसी चले, अचानक पसलियों में दर्द है, तुरंत डॉक्टर बताएं और डॉक्टर से चेक कराएं। श्वास भरें, श्वास को भीतर रोकें, इस तरह श्वास को भीतर रोक सकते हैं और आपको खांसी नहीं चलती तो समझ लीजिए आप सेफ है। फिर भी अचानक कुछ खांसी चले, अचानक सिर दर्द हो, अचानक पसलियों में दर्द हो, हमें तुरंत डॉक्टर की राय लेना चाहिए। और आपको सर्दी जुकाम हो तो डॉक्टर की राय लें और घर से बाहर ना निकले तो इससे आपका बचाव रहता है। और डीप ब्रीदिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, धीरे धीरे 5 के काउंट में या 10 के काउंट में श्वास भरें और उतने काउंट में छोड़ सकते हैं। ब्रीद इन 1, 2, 3, 4, 5, उतने काउंट में छोड़ें, 1, 2, 3, 4, 5, पुनः भरें, 1, 2, 3, 4, 5, उतने काउंट में छोड़ना है। इस तरह दीर्घ श्वास प्रेक्षा का आप अभ्यास कर सकते हैं। 5 मिनट से 10 मिनट तक नियमित रूप से यह अभ्यास करें। एक बहुत ही अच्छा मंत्र जाप है, वो भी आप कर सकते हैं। राम रिम रुम रेम रोम रम रह। तो पहले ओम के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम राम रिम रुम रेम रोम
रम रह, ओम राम रिम रुम रैम रोम रम रह, ओम राम रिम रुम रैम रोम रम रह। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और आचार्य श्री महाश्रवण जी ने एक बहुत सुंदर मंत्र बताया है, उस मंत्र का जाप करने से हम इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। उसको आप ध्यान से सुनिए और कम से कम 21 बार इसका उच्चारण करिए सुबह शाम। चैता भारहम वासम चक्कवटी महीडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुतरम। चैता भारम वासम चक्कवटी महीडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुतरम। इस मंत्र का जाप 21 बार सुबह और 21 बार आप रात्रि में सोने से पहले कर सकते हैं। इससे भी हमारा आध्यात्मिक ढंग से बचाव होता है, बहुत अच्छा प्रयोग है। इस तरह हम कोरोना वायरस से बचने के लिए विभिन्न प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिन भर में गुनगुना पानी पिए या गर्म पानी को ठंडा करके पिए और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। इस स्वच्छ भारत के महाअभियान में स्वयं को स्वच्छ रखें, अपने परिवार के सदस्य को स्वच्छ रहने के लिए बोलें और अपने घर को स्वच्छ रखें। हाथों को बार बार धोएं, अच्छे ढंग से धोएं और हाथों को बार बार चेहरे पर न ले जाएं, तो इससे हमारा बचाव हो सकता है। और संक्रमित व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें और जिसको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है 2-3 फीट दूर से बात करें और हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करें, हाथ न मिलाएं क्योंकि हाथों से ज़्यादा फैलता है। इस तरह आपको ये कोरोना वायरस का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसको फॉलो करें, इससे बचने का प्रयास करें। इस हमारे एडवांस योग बाय पारस मल दुग्गढ़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इसी भावना के साथ।